नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की बैठक संपन्न। बैठक में विधानसभा घेराव को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और साथ ही साथ अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो जिस तरीके से हम पहले भी सरकार को आगाह करते आए हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मांगे को मद्देनजर रखते हुए कोई उचित निर्णय या फैसला नहीं लिया गया तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने एक विशाल रूप में आंदोलन करने पर आतुर हो जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बैठक में नवीन पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी की गई। राजधानी भोपाल की बैरसिया स्थित राजपूत धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला भोपाल की बैरसिया तहसील स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवीन पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी की। बैठक में भोपाल विधानसभा घेराव को लेकर रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें भोपाल विधानसभा घेराव सहित आर्थिक आधार पर आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन को ध्यान में रखकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह, प्रदेश सचिव हुकुमपाल, भोपाल संभाग अध्यक्ष सचिन सिंह, पत्रकार विक्रम सिंह राजपूत, दिग्विजय सिंह सोलंकी, मनोज राजपूत सहित सैकड़ों करणी सैनिक उपस्थित रहे। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है, आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बैरसी तहसील की तहसील स्तरीय बैठक रखी गई। हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर कई बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है ना, या किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई सिस्टम को चेंज करने के लिए है। जो आदमी गरीब है उसकी जाति देख के उसे आरक्षण ना दिया जाए, हर गरीब तबके के व्यक्ति को आरक्षण दे, इसको लेकर ये बैठक की गई। और आने वाले समय में हमें भोपाल विधानसभा घेराव करना है, जिसे लेके हम पूरे प्रदेश के हर प्रत्येक जिले में और प्रत्येक तहसील में कई बड़ी बड़ी बैठकें, छोटी बड़ी सारी स्तर की बैठकें कर रहे हैं। इसी को लेके आज हमने बैरसिया तहसील में बैरसिया नगर में बैठक रखी है और आने वाले समय में जो विधानसभा घेराव होगा वो इतना भव्य होगा कि हमारी सरकार को अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।